उस पदयात्रा ने उन सवालों को उठाया है जिन सवालों को छुपाने की कोशिश हो रही है। बेरोजगारी का सवाल, गरीबी का सवाल, महंगाई का सवाल, देश में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता का सवाल, इन सवालों को देश के सामने दोबारा रखा। और चूंकि भारत जोड़ो यात्रा ये काम कर रही है, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा इस देश में नफरत की राजनीति के विरुद्ध खड़ी हुई है, इसलिए हम सब संगठनों ने तय किया है कि हम अपने पुराने तमाम मतभेदों को बाजू में रख के आज इस यात्रा के साथ जुड़े हैं। क्योंकि अगर मेरे घर में आग लगी हो, उस समय मुझे केवल दो ही पक्ष दिखाई देते हैं, एक वो पक्ष जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है और एक वो पक्ष जो पानी की बाल्टी लेके दौड़ रहा है। आज जो पानी की बाल्टी उठाएगा वो मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा सखा है, हम उनके साथ मिलके काम करेंगे। कल उनके साथ जो भी डिफरेंसेस रहे हो, कोई बात नहीं, आज देश बचाने का समय है, इस संकल्प को लेके हम आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को ठीक दो महीने हो जाएंगे जिस दिन वो महाराष्ट्र में एंटर करेंगे। इस दो महीने में इस भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश में चुप्पी को तोड़ा। जो देश में चुप्पी का माहौल था, कोई बोलता नहीं था, हर कोई डरता, गरीबी, बेरोजगारी, नफरत, आर्थिक विषमता, मैं नहीं समझता कि इस देश में कहीं कोई बड़ी पार्टी का नेता इस सवाल पे बोला कि ये दो नंबर के अडानी कहां से दुनिया के दो नंबर के बन गए। जब इस देश के 97% लोगों की आय गिरी कोविड और इसके दौरान, कैसे एक व्यक्ति की आय और संपत्ति 18 गुना बढ़ गई, 66,000 करोड़ से 12,00,000 करोड़ सिर्फ 2.5 साल में बन गए अडानी, ये सवाल भारत जोड़ो यात्रा उठा रही। इसलिए हमें लगता है इस यात्रा ने चुप्पी को तोड़ा है, इस यात्रा ने अकेलेपन के एहसास को खत्म किया है। इससे पहले हर एक को लगता था, अरे इनका मुकाबला मैं कैसे करूं, मैं तो अकेला हूं। इन्हें भी लगता था मैं अकेला हूं, इन्हें भी लगता था मैं अकेला हूं, उन्हें भी लगता था। भारत जोड़ो यात्रा ने सबका हाथ पकड़ा दिया है और एहसास दिया है कि नहीं, हम अकेले नहीं। भारत जोड़ो यात्रा ने जो देश तोड़ने वाला खेमा है उसमें हलचल पैदा की। आरएसएस के सरसंघ चालक कहते हैं हम मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संवाद करेंगे। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं देश में आर्थिक विषमता है, बेरोजगारी है, देश में महंगाई है,